गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग हैं मधुबन में जो कि पारसनाथ में पड़ता है। पारसनाथ स्टेशन से लगभग वही 20-25 किलोमीटर के दूरी पे है। हनुमान मंदिर के जस्ट बगल से ये होटल है गुलाब मेंस है, जो कि यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो आराम से रूम आपको 500 से 600 में बहुत बढ़िया रूम मिल जाएगा, बड़ा सा, जिसमें आप 5-6 लोग आराम से रह सकते हैं। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे पहाड़ी की तरफ, पारसनाथ मंदिर की तरफ घूमने के लिए। क्या नाम है बच्चा? कहाँ घूमने आए हो? पहाड़ चढ़ने के लिए आए हो? पहाड़ चढ़ जाओगे अकेले? तो ग्रुप के साथ? और ये हम लोग का यहाँ से यात्रा स्टार्ट हो गया है मधुबन से, जो कि पीछे देख सकते हैं, पीछे ये मार्केट से चल जाती है पारसनाथ स्टेशन, और सामने की ओर जाती है पारसनाथ मंदिर पहाड़ी पे जो जाती है। अब दिखाएंगे हम लोग आगे आपको। यह है पारसनाथ का मेन गेट, जहाँ से 4-व्हीलर ऊपर नहीं जाती है, और यहाँ से बाइक ऊपर जाती है, और यहाँ से पैदल रास्ता आप ऊपर जा सकते हैं। और यहीं से हम लोग का होगा यात्रा स्टार्ट होगा। और यहाँ नीचे कुछ बाइक वगैरह भी है, अगर आप बाइक से जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाइक किराए पे ले सकते हैं। ये 2 आदमी को चढ़ाने के लिए ऊपर लगभग 600-700 रुपये लेगा। और ये नीचे में कुछ दुकान है, आप यहाँ पर नाश्ता वगैरह भी कर सकते हैं। और ये कुछ लाठियाँ वगैरह भी रखी, जिसको चढ़ने में दिक्कत होता है वो लाठी ले कर भी चढ़ सकते हैं ऊपर। और हम लोग बस अभी यहाँ से यात्रा स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग आधा रास्ता भी नहीं चढ़े हैं, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर चढ़े हैं, और अभी से ही सबका हालत खराब है। जैसे देखिए, ये महानुभाव का हालत खराब है, सभी लोगों का हालत खराब है। सबसे बढ़िया बच्चा चढ़ रही है, सबसे बढ़िया। चलो चढ़ते ऊपर। नन्हा मुन्ना रही हूँ, पहाड़ पे चढ़ने आई हूँ, बोलो। देखिए सबसे छोटा बच्चा जो काले टी शर्ट और ब्लू जींस में है, जो कि झूला झूल रहे हैं। ये देखिए, 2 बकरी चराने वाले जंगल में मिले हैं, और ये यहाँ के अस्थाई लोग हैं। हम इनसे पूछेंगे जंगल के बारे में कि इस जंगल में क्या क्या है, कौन कौन सा जीव जंतु है। देखिए, यानी कि ये बकरी के साथ बैल भी चरा रही है। तो आप बता सकती हैं कि यहाँ पे आप कितने बैल और कितने बकरियां लेके आई हैं? ये देखिए, हम लोग अभी उतना ऊपर जाना है, वो रहा मंदिर, जो कि ठीक से दिख भी नहीं रहा है। अभी हम लोग को बहुत ऊपर और चढ़ना है, तो अभी हम लोग आधे रास्ते भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे गौर से पढ़िए, समझते हैं कम, समझाते हैं ज्यादा, और इस चीज को गौर से पढ़िए और इस चीज को अपने जीवन में लागू कीजिए, कितना बढ़िया चीज लिखा हुआ है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे बाइक चलते हुए देख के मतलब अचंभा ना होइए, क्योंकि रास्ता बहुत फर्स्ट क्लास बना हुआ है। आप पैदल इस जंगल का मजा तो ले ही सकते हैं, अगर आपसे चलन नहीं जाता है तो आप बाइक से भी आ सकते हैं। अगर खुद का बाइक है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर आपके पास बाइक नहीं है तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेंट पे बाइक मिलती है। और एक चीज़ और है, आपको चलाने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, यहाँ के अनुभवी ड्राइवर आपको पहाड़ पे लेके जाएंगे, और यहाँ पे कम से कम में आपको ऊपर लेके जाएंगे। अगर आप तोल मोल करना जानते हैं तो 300, 400, 500 में ही आपको ऊपर लेके चले जाएंगे, नहीं तो कोई किसी से तो 1000-1000 रुपया तक भी लेते हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे रेंट बाइक कर रहे हैं तो कृपया करके तोल मोल करके ही चढ़ें, ऐसे तो करना नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा दे दीजिएगा तो खुद को अफसोस होगा, इसलिए खुद को अफसोस ना हो
और अगले सामने वाले को भी घाटा ना हो, तो बीच में बैलेंस करके चलें। प्रवचन सुन के कोई बहुत बहुत मजा आएगा। तो मेरा प्रवचन पहला अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ, और दूसरी अध्याय जब मेरे मन में आएगा तो हम आपको बताएंगे। तो पहला अध्याय कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, तो दूसरे अध्याय का तैयारी करके फिर आपको बताएंगे। क्योंकि भाई देखो, अध्याय बोलने के लिए क्या बोलता है, मन में लाना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है। तो इसीलिए आपका एक लाइक कमेंट हमको मोटिवेट करता है, तो इसलिए बोलेंगे दबा के कमेंट कीजिए, दबा के लाइक कीजिए, और वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। जैसे कि अभी हम लोग जंगल में घूम रहे हैं, और पहला अध्याय आप लोग को सुना दिया, और दूसरा अध्याय की ओर लेके बढ़ते हैं आपको। तो एक जगह बहुत ही अच्छा चीज लिखा हुआ है, जो कि हम आपको दिखाएंगे नहीं, हम बोल के सुनाएंगे ताकि आप लोग को लगे कि हम बोले हैं। तो सुनिए दूसरा अध्याय का बहुत ही अच्छा सा शब्द है। संसार में तीन ही लोग अच्छे हैं, एक वो जो मर गया है, दूसरा वो जो भी पैदा नहीं हुआ है, और तीसरा वो जिसे हम आप जानते ही नहीं है। जो बात कही नहीं गई है वो बात कही नहीं गई है। तो इसी प्रकार से मेरा दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ दोस्तों, और बढ़ते रहिए इसी तरह, सॉरी बढ़ते हम रहेंगे इसी तरह, और आप लोग को सुनाते रहेंगे ऐसे ही बहुत ही अच्छे शब्द, जो कि आप लोग सुन के मोटिवेट होंगे और आप लोग में अच्छे गुण उत्पन्न होंगे। तो लगे रहिए। और ये जो पहाड़ का जो चोटी देख रहे हैं, झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर जो मंदिर है वहाँ से नीचे का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और अभी हम लोग बहुत नीचे हैं, अभी हम लोग को बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो अब आया है दोस्तों पहाड़ चढ़ने का असली मज़ा, क्योंकि अभी तक तो हम लोग ढलान ऊपर नीचे प्लेन रास्ता पे चढ़ते हुए आ रहे थे, स्लोपिंग बना हुआ था, लेकिन अब जो है केवल सीढ़ियाँ और सीढ़ियाँ, लगभग 4 किलोमीटर तक सीढ़ियाँ हैं, तो समझ सकते हैं। और अभी और चलते ऊपर, अभी हम लोग 3 गुना चढ़ चुके हैं, और लगभग 1/4 भाग और बचा हुआ है, जो कि बिल्कुल ही सीढ़ी और चौड़ाई है। तो हम लोग अब कंटिन्यू चढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। यहाँ से शायद आपको हम दिखा सकते हैं कि कितनी दूरी और चढ़ाई भी करनी है, कैमरा को रोटेट करके दिखाते हैं। अभी हम लोग को उस चोटी तक और चढ़ाई करना है, तो समझ जाइए कि भी और कितना चढ़ना होगा। तो लगभग अभी 1 घंटा के अप्रॉक्स और लगेगा हम लोग को चढ़ने में, जो कि मज़ा भी आ रहा है और थोड़ा सजा भी बुझा रहा है। अभी हम लोग हैं सीता नाला के पास, जहाँ से 2 रास्ता जाता है। एक रास्ता ये है जो गौतम स्वामी की तरफ जाती है, और एक रास्ता है जो हम लोग इधर से चढ़ रहे हैं, ये पारसनाथ मंदिर की तरफ जाती है। तो हम लोग पारसनाथ मंदिर की तरफ चढ़ाई कर रहे हैं, और पारसनाथ मंदिर चढ़ के उधर से घूमते हुए गौतम स्वामी के और तरफ जाएंगे, जल मंदिर की तरफ जाएंगे। तो अभी जो हम लोग का मेन चढ़ाई है वो पारसनाथ मंदिर की तरफ है, क्योंकि कुछ लोग बाइक से पारसनाथ मंदिर के पास हम लोग का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम लोग का ये जो चढ़ाई है बहुत ही ऊँचा चढ़ाई है, और हम लोग अब इस रास्ते से ही जा रहे हैं। देख सकते हैं कैसे पूरा ऊंचाई पे है। एक चीज और है, पारसनाथ हिल पे चढ़ने का जो मजा है, आप रास्ते में कहीं बोर नहीं होंगे, जगह जगह पे बहुत लोग मिलेंगे, बहुत सारे दुकानें हैं जहाँ पे आप गन्ना का जूस, नींबू रस, ये सब चीज आप पी सकते हैं, खास करके बिस्लरी पानी। और आपको नॉर्मल जो चीज़ मार्केट में अवेलेबल है
वो चीज़ आपको यहाँ पे भी अवेलेबल मिल जाएगी। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, तो उससे घबराना नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम लोग को खाली चढ़ने में इतना दिक्कत होता है, तो वो लोग तो सामान लेके चढ़ता है, तो समझ सकते हैं आप लोग। तो खैर पहाड़ पे आए हैं तो इस चीज़ का मज़ा तो लेना ही बनता है ना, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देख के मज़ा पियो, कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। नॉर्मल आप जो 20 रुपये का माजा मार्केट में पीते हैं, वो माजा पीने में उतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप पहाड़ी पे 20 रुपये का मज़ा 40 रुपया पीने में आएगा। एनर्जी डायरेक्ट डबल मिलती है, क्योंकि पैसा डबल लगा होता है ना। इसलिए पहाड़ी पे आके माजा का मज़ा ज़रूर लें। फिर देखिए कैसे चार्ज होगा आपका बॉडी, फिर एकदम रॉकेट की तरह भागिएगा आप पहाड़ों पे, जैसे आप देख चुके हैं कैसे इतने थकने के बाद बावजूद भी जवान लड़खड़ा रहा थकने के बाद, लेकिन टांगे बहुत मजबूत है भाई साहब, टांगे अभी तक नहीं लड़खड़ा रही है। और ये देखिए हम लोग शॉर्टकट रास्ता अपनाए हैं, जो कि रोड वाला रास्ता बहुत घूम के है, तो हम लोग शॉर्टकट से ही चढ़ते हैं, जवान है ऐसे ही चढ़ चढ़ के तो चढ़ेंगे। और ये तो मेन जगह चढ़ना बाकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हिरण का बच्चा, ओ तेरी, ये तो गाय का बच्चा है, हमको लगा हिरण बोल रहा है, क्या बच्चा मैं जैसे दोस्तों बहुत चुल मचा हुआ था पहाड़ पे चढ़ने का, आधा पहाड़ चढ़ते चढ़ते सारा चुल गुल हो गया। अभी हम लोग दोस्तों लगभग 9 किलोमीटर दूरी तय कर चुके हैं, और ये हम लोग का बस लास्ट चढ़ाई है, और हम लोग का देखिए जो हालत देख सकते हैं कितना खराब हो चुका है, ये बैठ के थक के बैठ गए, ये चार टांग पे आए हैं। और अभी हम दिखाते पीछे थोड़ा सा और बचा हुआ है, अभी वो जो टावर सामने दिख रहा है ऊंचाई, वो शायद दिख रहा होगा धूप की वजह से क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन वही टावर पे भी जाना है, लगभग 1.5 किलोमीटर और है, तो मतलब अप्रॉक्स मान लीजिए 2 किलोमीटर के आसपास, तो अभी वहीं पे जाना है, वहाँ जाएंगे और वहाँ से नीचे का व्यू दिखाएंगे। इतना ज़बरदस्त है, मतलब ऐसा व्यू है कि कोई आदमी अगर एक बार आएगा वो कभी भी मतलब अफसोस नहीं करेगा, मतलब मज़ा जो है मज़ा बहुत आने वाला है नेचर का। और पहाड़ पे जो ट्रैकिंग करने का जो शौक़ रखते हैं लोगों, वो बिल्कुल आ सकते हैं, ट्रैकिंग का मज़ा आ जाएगा, बहुत ही मज़ेदार ट्रैक है पारसनाथ हिल का। तो यही बोलेंगे कि अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएं, और नेचर के बीच में ट्रैकिंग का मज़ा ज़रूर लें, क्योंकि शहर के इस हलचल में और शहर से तामझाम को छोड़ के अगर इस पहाड़ में आएंगे, इस जंगल में आएंगे, तो बहुत ही सुकून मिलने वाला है। तो हम लोग यही कहेंगे यहाँ पे ज़रूर आएँ, और जंगल में प्राकृतिक में सुकून और शांति का मज़ा लें, क्योंकि ये चीज़ तो सर में कभी नहीं मिलने वाला है। We'll be right back.
ऊपर मंदिर पारेश्वर मंदिर घूम चुके हैं और टाइम कम होने की वजह से और भी मंदिर नहीं घूमे हैं, लेकिन पारेश्वर मंदिर के ऊपर से ही वीडियो को कवर किए हैं। और हम लोग अभी जा रहे हैं नीचे क्योंकि हो गया हम लोग का घुमा हुआ। और थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पे बंदर बहुत सारा है, इनकी ब्लॉक के चक्कर में आपका मोबाइल छीन के भाग जाए तो सतर्क रहें, सावधान रहें, बंदरा से रहें दूर। और ये देखिए अब हम लोग नीचे उतर रहे हैं, यही इधर का नज़ारा है।